Hello and assalamu alaikum everyone, this is Namar Fan Khan and welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. मैं आपको बताऊं कि लास्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने सम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान, मतलब रमज़ान इन अ सेंस जो आप उसके अंदर रोज़े रखते हैं उसके जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो नंबर ऑफ बेनिफिट्स जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस भी कर सकती हूँ, मैं आपसे बात भी कर सकती हूँ, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं. सो द नंबर वन बेनिफिट दैट वी हैव इज डिटॉक्सिफाइज ह्यूमन बॉडी. ऑब्वियसली आप पूरे साल इतना कुछ खाते हैं, इतना कुछ पीते हैं, जाहिर सी बात है तो वो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को जो है इफ़ेक्ट करता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर भी होता है. तो रोज़ों से ये होता है कि वो आपके जो भी टॉक्सिंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उन सबको वो रिमूव कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सुबह से लेके मगरिब तक जो है आपकी बॉडी बिल्कुल कुछ नहीं, उसने खाया भी नहीं होता, कुछ उसने पिया भी नहीं होता. तो उसकी वजह से होता ये है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं आपकी बॉडी में वो रोज़े के ज़रिए निकल जाते हैं एंड इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी. अच्छा जी, इसके अलावा जो सेकेंड बेनिफिट है दैट इज़ इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म. बिल्कुल जब आप रोज़ा नहीं, मतलब जब आप कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, तो आपकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है. रिकवर होने का टाइम इन अ सेंस कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं. तो आपकी जो बॉडी है वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हद तक जो है उसको रोज़े की वजह से वो इम्प्रूव होता है. ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारा एक बेनिफिट है रोज़ों का वो है इट सेटिस्फाइज योर हार्ट एंड सोल. ऑब्वियसली इस बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी और इसके साथ ही मैं कनेक्ट करूँगी एक और बेनिफिट को, दैट इज इट इम्प्रूव्स योर फेथ ऑन अल्लाह. तो इसके बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली जब आप वो कर रहे होते हैं जिसके बारे में जिस वजह से आप लोगों को बनाया गया है, तो ऑब्वियसली आपकी एक हार्ट भी सुकून में रहता है, आपका सोल भी सुकून में रहता है. ठीक है. इसके अलावा आपका जो फेथ है अल्लाह की तरफ वो भी बढ़ जाता है. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा जो एक बेनिफिट है रोज़ों का वो जो बहुत सारे लोगों को जो है वो जिसके बारे में लोग पूछते भी हैं, सारे साल उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं, दैट इज़ वेट लॉस. यस, जब आप की बॉडी ने कुछ नहीं खाया होता है, कुछ नहीं पिया होता है, क्योंकि जो हमारा सहरी का टाइम है और जो हमारा इफ्तार का टाइम है उसके दौरान ना आप कुछ खा सकते हैं ना आप कुछ पी सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है एंड दैट इज़ हेल्दी वेट लॉस. बट उसके लिए आपने करना ये है कि आपने इफ्तार में कुछ ऑयली कुछ नहीं खाना है. ठीक है, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. और अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो सहरी के बाद बहुत सारा इफ्तार के बाद बहुत सारा पानी पीजिए और हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए, ऑयली स्टफ को बिल्कुल कट डाउन कर दें. तो इसकी वजह से होता है क्या है कि आपकी जो है बॉडी से जो है वेट लॉस भी होता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट कीप्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो. जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो भी उस लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है. सो देयर आर सर्टेन फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एज वेल एंड देयर आर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एज वेल. सो दीज वर सम. अच्छा, मैं देख लूँ कि कितनी वीडियो बन सकती है. अच्छा जी, मेरे पास टाइम है 12 मिनट का, बट हम इतनी लंबी वीडियो नहीं करेंगे. वी विल जस्ट यू नो कट इट डाउन टू, इस वक्त 4 मिनट की वीडियो हो गई है. तो या इतनी वीडियो आई थिंक काफ़ी है. सो दीज वर सम ऑफ द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग जो कि आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि ये आपकी ह्यूमन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. ठीक है. इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है. ठीक है. और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी लो कर देता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बेनिफिट दैट इज़ वो वेट लॉस में भी
बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दीज वर सम ऑफ द फिजिकल बेनिफिट्स जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो प्रोड्यूस सून। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना। टिल देन टेक केयर एंड यस, रमज़ान आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। एंड या टेक केयर, बाय।